अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द स्टडी। वेलकम टू आर इंग्लिश क्लास, क्लास वन, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर नंबर 15, यूनिट नंबर 4 एंड लेसन नंबर 2। यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 2 है और इसका टॉपिक का नेम है कैटरीना हैट। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमारे जो भी कोई यूनिट हम पढ़ रही हैं, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी तरह से हर हमारे यूनिट में एक स्टोरी होती है और एक पोइम होती है। स्टोरी जो थी यूनिट नंबर 4 की, वो थी ग्रैंडमा, और इसकी जो पोइम है वो है कैट इन अ हैट। इस पोइम में ये दरअसल जो है ना, इस पोइम में क्या होता है कि जो राइटर है ना, जिसने पोइम लिखी है, पोइट जो है, जो पोइम लिखता है ना उसको कहते हैं पोइट। पोइट जो है वो सरप्राइज्ड है कि भाई एनिमल्स को भी अजीब अजीब तरह के वो जो डिमांड्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक से समझ आ रहा होगा, कैट इन अ हैट, हैट जो है वो होती है एक हेड कैप होती है जिसे हम पहनते हैं, फैशनेबल कैप होती है। तो वो पर हैरान है इस बात से कि भाई एनिमल्स को इस तरह की चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जैसे वो डॉग का भी जिक्र करता है, इसी तरह माउस का भी और उसका भी, कैट का भी। तो हर इसकी एनिमल की, हर जानवर की अलग डिमांड है। तो इसी तरह के जो कैट है ना, वो इसमें कहते हैं कि मैंने भी शहर जाना है और अपने लिए क्या लेके आनी है, हैट लेके आनी है। तो वो इस बाकी हम अपनी इसको पोइम को बाद में डिस्कस करेंगे। आपको पता है जब भी हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम हमने करने होते हैं वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स। तो चलिए वर्ड इंग्लिश मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हाउस। हाउस, हाउस का मतलब है घर, आपको पता है सबको। और इसका मीनिंग है शेल्टर। शेल्टर कहते हैं अपना घर, जिसमें हम खुद को सेफ फील करते हैं। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में हमें प्रॉपर सुकून होता है कि यहाँ पे हमें कोई किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना। यहाँ पे मतलब हर चीज़ से हमारा घर हमें बचाता है, धूप से, गर्मी से, छाँव, मतलब गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, और वैसे भी जो चोर डाकू वगैरह, इनसे भी हमारा घर हमें सेफ कर रखता है। तो वो हाउस शेल्टर, यानी पनागा, हाउस घर हमारा, ठीक है। इसके बाद वर्ड है हमारे पास लिटल। लिटल का मतलब है छोटा, और इसका इंग्लिश मीनिंग है स्मॉल। स्मॉल का मीनिंग भी है छोटा, लिटल स्मॉल, बहुत छोटा साइज़ में। उसके बाद है वर्ड टाउन। टाउन कहते हैं, ये जो टाउन है ना, ये ना तो सिटी है ना ही विलेज है। विलेज गांव को कहते हैं और सिटी शहर को कहते हैं। जो गांव और सिटी है, इन दोनों से, गांव से बड़ा होता है टाउन और सिटी से छोटा होता है। अब सिटी में बहुत सी शॉप्स होती हैं, बड़ा बाज़ार होता है, हर चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल होती है। लेकिन जो टाउन होते हैं ना, वहाँ पे सिंपल किस्म के लोग रहते हैं, देहात जिस तरह गाँव के लोग होते हैं, सेम ऐसे ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वो थोड़ा बड़ा होता है और वहाँ पे शॉप्स थोड़ी गांव की नस्बत, गांव में तो एक दो शॉप्स होती है ना, लेकिन जो टाउन होता है ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा शॉप्स होती है, उधर 10-12 इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मोस्टली इतनी होगी। तो जो टाउन है वो एक कस्बा, इसका मीनिंग है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है अ स्मॉल सिटी, यानी एक छोटा शहर। शहर पूरा नहीं, छोटा है। बड़ा शहर तो वहाँ पर तो मॉडर्न किस्म के लोगों में भी थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो टाउन होता है ये सेम गांव की तरह होता है, बस थोड़ा सा इसमें बाज़ार होता है, आपको अवेलेबल चीज़ें जो आपको चाहिए होती वो आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैट। हैट जो है वो एक हेड कैप है जिसे हम सर पे पहनते हैं, गुलाई में जो होती है, आपके पास होगी भी और आपने देखी भी हमें बहुत से बच्चों ने, तो तकरीबन हर किसी ने देखी हुई है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है अ फैशन आइटम। फैशन का मतलब जो एक स्टाइलिश किस्म की चीज़ है, एक फैशन जो आजकल चल रहा है उसमें शुमार हो जाती है, कि एक जो फैशनी चीज़ होती है, नुमाया होने वाली, वो है हैट। तो ये मोस्टली हमारे कंट्री में तो नहीं यूज़ होती, लेकिन इंग्लिश पीपल इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हैट को। तो हमारी जो कैट है ना, उसको भी हैट ही चाहिए। तो ये आज की हमारी इंग्लिश मीनिंग्स हैं। आज इसके बाद देखते हैं डायरी। डायरी में है आपका टॉपिक नेम है कैट इन अ हैट, एंड इसके वर्ड्स इंग्लिश में जो मैंने आपको करवाए हैं, ये आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं नोटबुक में। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।